नमस्कार, जय हिंद। तो यार, एक जमाना हुआ करता था कि बच्चों को कंपटीशन के बारे में, यानी जेई या नीट जैसे कंपटीशन के बारे में 12th पास करने के बाद या 12th में आने के बाद पता चलता था। लेकिन चीज़ें बहुत बदल चुकी हैं। आज इंटरनेट के इस ज़माने में हर बच्चा फ़ोन यूज कर रहा है, रील्स स्क्रॉल कर रहा है, इंस्टाग्राम देख रहा है, यूट्यूब देख रहा है, अलग अलग वीडियोज़ देख रहा है, तो उसे पता है कि उसे क्या करना है। आपको भी पता चल चुका होगा कि जेई की तैयारी करनी है आपको। आज की इस वीडियो में वही डिस्कस करने वाले हैं कि अगर हमने ये ठान लिया है कि हमें 9th से जेई की तैयारी करनी है, हमको आने वाले 4 साल बाद जेई में रैंक लानी है। मैं बात उन बच्चों की कर रहा हूँ जो सीरियस एस्पिरेंट्स हैं, जो अभी से अपने गोल को लेकर एकदम क्लियर है कि मुझे जेई क्रैक करना है, मुझे IIT में जाना है। तो उसका प्रोसेस क्या होगा, किस तरीके से 9th से ही लर्निंग को अपनी आगे बढ़ाई जाए कि आपका जब एग्ज़ाम आप दे जेई का 12th में जाकर, तब आपको कोई दिक्कत ना आए। तो इस वीडियो में आपको बहुत सारी चीज़ें मिलने वाली हैं, तो मेक श्योर यार इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, क्योंकि इस वीडियो के बाद ही मैं आपको इसकी सीरीज लेकर आऊँगा जिसमें मैं किताबें कैसे लगानी है, कैसे टाइम टेबल बनाना है, 9th से कैसे स्कूल के साथ चीज़ें मैनेज करनी है, सब कुछ मैं बताने वाला हूँ। तो मेक श्योर इस वीडियो पर 1000 लाइक जरूर कर दीजिएगा। साथ ही साथ कॉमेंट करके मुझे ज़रूर बताइएगा कि अगर आपका JEE सपना है तो आप कितना रैंक टारगेट कर रहे हो। बिल्कुल बिल्कुल सही बात मैं कर रहा हूँ, मुझे जानना है कि आप कितना अंडर 1000, अंडर 10000, अंडर 5000, अंडर 500, अंडर 100 कितना रैंक टारगेट कर रहे हो, क्योंकि आपका एम ही आपको गोल की तरफ लेके जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं अपने इस वीडियो को। मेरे प्यारे बच्चों, अच्छा उससे पहले कुछ बातें आपको बतानी है कि हमारा एप्लीकेशन है रैंकस NTSC के नाम से, प्ले स्टोर पर अवेलेबल है, आप इंस्टॉल कर सकते हैं, वहाँ पर बहुत सारी चीज़ें आपको मिलती हैं। साथ ही साथ टेलीग्राम चैनल है हमारा रैंकस फाउंडेशन, टेलीग्राम के एप्लीकेशन से आप हमें ढूंढ सकते हैं वहाँ पर। मेरे प्यारे बच्चों, आप क्लास 8th में हो अभी, ठीक है, या 8th से 9th में आ चुके हो। आगे की पूरी जर्नी मैं आपको समझाने वाला हूँ। क्लास 8th में आप क्या कर रहे थे? क्लास 8th में आप मैथ पढ़ रहे थे, साइंस पढ़ रहे थे, SST पढ़ रहे थे, इंग्लिश पढ़ रहे थे, हिंदी पढ़ रहे थे, कंप्यूटर पढ़ रहे थे, कहीं संस्कृत पढ़ रहा होगा, कोई बच्चा अपना रीजनल लैंग्वेज पढ़ रहा होगा। लेकिन यहाँ की जो पढ़ाई होती है ना, ये कौन सी पढ़ाई होती है? ये रट्टा मार वाली पढ़ाई होती है, जहाँ पर हम चीज़ों को याद करते हैं, क्वेश्चन आंसर हमें याद करवाया जाता है, हम जाकर आंसर शीट पर लिख देते हैं, हम 8th तक पास हो जाते हैं। लेकिन जैसे ही आप 9th में एंटर करते हो, पूरी दुनिया चेंज होने लगती है। यहाँ पर अब रट्टा मार पढ़ाई से चीज़ें नहीं होने वाली हैं, अब यहाँ पे पढ़ाई होने वाली है समझने से। उसका कारण है, उसका कारण यह है कि 9th की चीज़ें डायरेक्टली आपको 11th में मिलती हैं और 10th की चीज़ें आपको डायरेक्टली 12th में मिलती हैं। यानी अगर आप केवल रट के छोड़ोगे तो फिर भूल जाओगे, फिर यहाँ रटना पड़ेगा और रटने से काम नहीं चलेगा। तो भैया क्या करना पड़ेगा? जब आप 9th में आए तो आपने क्या क्या सब्जेक्ट देखा? मैथ देखा, साइंस में भी आपने देखा यार, फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी, तीनों अलग अलग टीचर आपको स्कूल में पढ़ा रहे हैं। SST में भी आपने 4 सब्जेक्ट देखा, हिस्ट्री, सिविक्स, पॉलिटी, इकोनॉमिक्स। सिविक्स पॉलिटी एक ही चीज़ होगी, हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी और इकोनॉमिक्स। उसके बाद हिंदी और इंग्लिश आपके लैंग्वेज वाले सब्जेक्ट हो गए। आज मैं आपसे बात करने वाला हूँ कि आपको अगर JEE की तैयारी करनी है तो 9th में किन सब्जेक्ट्स पर फोकस रखना है। ये कैसे डिसाइड होता है? ये डिसाइड होता है कि आप क्लास 11th में क्या पढ़ने वाले हो। बिल्कुल, JEE की तैयारी करने वाले तो आप फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथ पढ़ने वाले हो। साथ ही साथ 2 आपके और एडिशनल सब्जेक्ट होंगे जो कि आपके लैंग्वेज वाले होंगे, या तो आपका इंग्लिश होगा। ठीक है, ये चीज़ होगी। अब आपको क्लास 9th में आपको अपने स्कूल में एग्जाम देना है, क्लास 10th में आपको अपने बोर्ड्स का एग्जाम देना है जो कि आप किसी स्कूल में जाकर देने वाले हो। फिर आप क्लास 11th में आओगे, जहां से आपकी JEE की जर्नी स्टार्ट होगी। फिर आप क्लास 11th से 12th में जाओगे, जहां पर आपको उसी साल अपने बोर्ड एग्जामिनेशन को भी पास आउट करना है और अपने JEE एग्जाम को भी क्रैक करना है। ये कैसे होंगी चीजें, आइए। मेरे प्यारे बच्चों, अगर मैं तुमसे बात करूं कि JEE एग्जाम अगर क्रैक करना है तो आपको करना क्या होगा, सबसे पहली आप बात यह है कि आपका एम आपको क्लियर होना चाहिए कि आपको IIT में जाना है। बिल्कुल क्लियर होना चाहिए। और जानने का प्रोसेस यह है कि आपको पहले JEE मेंस देना है और JEE मेंस के बाद JEE एडवांस देना है। ये आप कब अपीयर करोगे? ये आप अपीयर करोगे 12th में। देखो, बहुत सारे लोग आपको इस जर्नी में मिलेंगे, YouTube पर मिलेंगे, बहुत सारे टीचर मिलेंगे कि अभी लोड मत लो। बिल्कुल, मैं भी कह रहा हूँ कि लोड नहीं लेना है। लेकिन लोड नहीं लेना है तो क्या मतलब पढ़ाई भी नहीं करनी है, अपने गोल के लिए काम भी नहीं करना है, सो जाना है, केवल स्कूल जाना है और स्कूल से आना है? बिल्कुल नहीं। आपको
अगर काम करना है, अगर आपको अंडर 1000 अंडर 500 रैंक आपका टारगेट है, तो आपको 4 साल मेहनत करना पड़ेगा। दिस इज द रियलिटी। ये आपको कोई नहीं बताएगा, पूरे YouTube पर आप ढूंढते रहोगे, आपको लोग बस यही सिखाएंगे कि 10th में कैसे 98% लेकर आए, 97% लेकर आए, जिसका आपके जीवन में कोई उपयोग नहीं है। आपको अगर अपनी सीट पक्की करनी है तो आपको एग्जाम क्रैक करने पड़ेंगे, आपको कंपटीशन क्रैक करना पड़ेगा। बोर्ड के रिजल्ट पर कहीं दुनिया में एडमिशन नहीं होने वाला है। चाहे मैं 12th की बात करूं, अब तो जमाना इतना चेंज हो गया है कि पहले 12th के परसेंटेज पर आपको कॉलेज में एडमिशन मिलता था, अच्छे कॉलेज में, जैसे DU में, JNU में, BHU में, लेकिन अब वो भी चली गई है। अब उसमें भी कॉम्पिटिशन आ गया। ऐसा हो क्यों रहा है? ऐसा इसलिए हो रहा है बच्चा, क्योंकि लोग बहुत ज्यादा हैं। आप भी देखते होंगे, किसी भी एग्जाम के बारे में आप सुनते होंगे, JEE जैसे एग्जाम में 12 से 14 लाख बच्चे देते हैं इस एग्जाम को, नीट जैसे एग्जाम को 21 से 22 लाख बच्चे देते हैं इस एग्जाम को। मैं बात कर रहा हूं 2023 में, जब वीडियो में बना रहा हूं, आने वाले समय में जब आप JEE नीट अपियर कर रहे होंगे, उस समय लाखों, यानी अगर आज 12 लाख है तो कल को 20 लाख जरूर हो जाएंगे आपके आने वाले समय में। तो भैया, अगर उस एग्जाम में आपको लोगों से कॉम्पिटिट करना है, तो आपको उनसे बेहतर बनना पड़ेगा, और बेहतर बनने के लिए आपको आज से मेहनत करनी पड़ेगी। दिस इज द रियलिटी एंड दिस इज वॉट यू हैव टू डू। JEE मेन और फिर JEE एडवांस, ये 12th में देने वाले हो। यानी JEE मेन्स में तीन मेजर सब्जेक्ट है, तीन ही सब्जेक्ट है, फिजिक्स, केमिस्ट्री और मैथमेटिक्स। क्लास 9th में भी आप स्टार्ट कर चुके हो मैथमेटिक्स, फिजिक्स, केमिस्ट्री, साथ में आपकी बायोलॉजी होगी, हिंदी होगी, इंग्लिश होगी। लेकिन मैं अगर आपको बात कहूंगा कि अगर आपको ये क्लियर है कि आपको JEE क्रैक करना है, यू हैव टू फोकस ऑन योर फिजिक्स, मैथमेटिक्स एंड केमिस्ट्री। कैसे करना है, हर सब्जेक्ट को कैसे स्ट्रांग करना है, वो भी आगे मैं डिस्कस करने वाला हूँ। मेरे प्यारे बच्चों, अब एक एक करके समझते हैं कि अपना एक एक सब्जेक्ट कैसे स्ट्रांग करेंगे। मैथ्स की मैं बात करता हूँ, थोड़ी लंबी वीडियो होगी लेकिन बहुत यूजफुल वीडियो होगी, तो मेक श्योर यार कि इस वीडियो को लाइक ज़्यादा से ज़्यादा करिएगा और अपने दोस्तों के साथ शेयर करिएगा, ताकि वो भी इस चीज़ को लेकर सीरियस हो जाए। मैथ्स में जब आप एंटर किए होगे तो आपने पढ़ना शुरू किया होगा NCERT, ठीक है। NCERT तक आपको सीमित नहीं रहना है। पहली बात, आपने जैसे किसी चैप्टर की थ्योरी पढ़ी, कहीं से भी पढ़ सकते हो, आपने वीडियो लेक्चर देखा, उसके बाद आपको बताया गया कि आप NCERT लगा लो, ये तो हो गई आपके स्कूल एग्जाम और आपके बोर्ड्स की तैयारी। यहीं पर नहीं रुकना है, अब आपको यहां से क्या करना है, प्री फाउंडेशन का कंटेंट, यानी ऐसी कोई किताब जिसमें सवाल अब थोड़े एडवांस भी हो, सवाल थोड़े टॉपिक से और बेहतर मिले। यानी आप कोई RD या फिर किसी कोचिंग का मटेरियल या फिर किसी कंपटीशन की किताब लगा सकते हो। अभी बुक रिकमेंडेशन की वीडियो अलग आएगी, हर क्लास के लिए आएगी, लेकिन ये चीजें आपको करनी पड़ेंगी। अब तुम ये करोगे तब जाके तुम्हारा मैथ जो होगा वो 9th का स्ट्रांग होगा, क्योंकि जितना ज्यादा तुम सवाल लगाओगे, अगर मान लो एक चैप्टर पढ़ने जा रहे हो तुम नंबर सिस्टम, ठीक है, जिसमें तुमने थ्योरी पढ़ ली, तुमने अपनी NCERT लगा ली, NCERT उठाकर देखो, जाओ बताओ, देखो उसमें कितने कम सवाल दिए गए, क्या उतने सवाल से तुम नए सवालों के लिए तैयार हो जाओगे? नहीं। JEE आपसे नए सवाल पूछता है, वो चेक करता है कि आपका माइंड कितना डेवलप्ड है, आप कितना सोच पा रहे हो, तो वो चीजें कैसे डेवलप होंगी, वो हैबिट आपके अंदर बच्चा कैसे आएंगी, वो आएंगी आप जब खूब मेहनत करोगे। यानी आप नंबर सिस्टम के कम 200 सवाल लगाओगे, तब तो आपको कोई भी कुछ भी देगा तो आप कर जाओगे, आपके अंदर थिंकिंग एबिलिटी डेवलप होगी। वो केवल और केवल एक तरीके से होगी, वो होगी लॉट्स ऑफ प्रैक्टिस से। यानी आपको NCERT तक सीमित नहीं रहना है, आपको कोई भी चीज, कोई RD शर्मा लगा लिया, कोई किसी प्री फाउंडेशन की कोचिंग का मटेरियल लगा लिया, कोई ऑनलाइन मटेरियल देख लिया, किसी की DPP देख ली, किसी बुक को उठा लिया जो कंपटीशन के बेसिस पर बनाया गया हो, उसके सवाल लगाने हैं। अब सवाल ही लगाने के लिए आपको केवल और किताब की जरूरत नहीं पड़ेगी, आपका लेक्चर, आपका वीडियो क्वालिटी, आपकी कोचिंग भी उसी प्रकार से होनी चाहिए। आप केवल NCERT तक सीमित नहीं रहोगे, आपकी कोचिंग ऐसी होनी चाहिए जहां पर आपको प्री फाउंडेशन का कंटेंट पढ़ाया जा रहा हो,
केवल और केवल बोर्ड्स तक सीमित आपको न रखा जा रहा हो, वो सारी चीजें पढ़ाई जा रही हो जो नाइन्थ के बच्चे को आनी चाहिए, जो टेंथ में यूज होने वाली है। ये आपको पूरा का पूरा काम मैथमेटिक्स में करना है। अगर आप में से कोई बच्चा चाहता है कि नहीं भैया मैं एक सर्च कर रहा हूं कि मुझे कोई चीज मिल जाए जहां पर आपको प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट मिले, तो आप हमारे एप्लीकेशन पर जाइए, रैंकर्स NTSC के एप्लीकेशन पर। एक हमारा स्पार्क बैच है जो कि हम रिकॉर्डेड वीडियो जिस पर अपलोड करते हैं, जो कि कंटेंट आपका कंप्लीट प्री फाउंडेशन का है, जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथमेटिक्स, बायोलॉजी और मेंटल एबिलिटी जैसे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं। साथ ही साथ आपके टेस्ट भी कराए जाते हैं, वो सारे के सारे टेस्ट कॉम्पिटिशन लेवल के होते हैं, ऑप्शनल वाले होते हैं। आपको प्रैक्टिस जो कराई जाती है क्लास में, वो ऑप्शनल क्वेश्चन के तरीके से कराई जाती है। आपको एडवांस लेवल के क्वेश्चन भी लगवाए जाते हैं, आपसे वो सारी चीजें करवाई जाती हैं जो आपको आनी चाहिए इस कंडीशन में, ठीक है। दैट इज द वे टू स्टडी मैथमेटिक्स, क्लियर। आगे आइए, अब मैं बात करता हूं फिजिक्स की। फिजिक्स पढ़ने का तरीका क्या है, कुणाल सर आपको इसके बारे में और डिटेल में बताएंगे, बट ओवरऑल मैं आपको बताता हूँ। फिजिक्स जब भी आप पढ़ते हो, पहले आपको थ्योरी पढ़ाई जाती है। थ्योरी पढ़ाने के बाद फिजिक्स में आपके डायग्राम होते हैं, आपके न्यूमेरिकल्स होते हैं, और यही सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट्स होता है। फिजिक्स इज ऑल रिलेटेड विद द मैथमेटिक्स। थ्योरी पढ़ लिया, डायग्राम से रिलेटेड चीजें देख ली, अब उस पर बेस्ड न्यूमेरिकल आते हैं जो कि वर्ड प्रॉब्लम होते हैं, जो कि आपको सोचने वाले होते हैं, वही सारी चीजें आपको करनी है। ये सारी चीजें आपको कहां मिलेंगी, जब आप उस लेवल का कंटेंट पढ़ रहे होगे, यानी आपने NCERT के अलावा जब आप अपने आप को थोड़ा सा एडवांस करोगे, नाइन्थ में रहते हुए थोड़ी थोड़ी चीजें 11th से टच करते हुए पढ़ोगे, तब जाके आपकी चीजें हो पाएंगी। और ये आपको कहां मिलेंगी, वहीं पर मिलेंगी जहां पर एक क्वालिटी कंटेंट पढ़ाया जा रहा हो प्री फाउंडेशन लेवल का। आप स्कूल में क्या पढ़ते हो, अपनी NCERT, जहां पर केवल और केवल आपको सीधा थ्योरी दी गई है, उससे रिलेटेड छोटे छोटे एग्जाम्पल्स दिए गए हैं। लेकिन जब आपको कॉम्पिटिशन क्रैक करना है IIT JEE जैसी, उसके लिए आपको अभी से तैयार करना पड़ेगा अपने आप को, धीरे धीरे। मैं नहीं कह रहा हूं कि एक ही दिन में नाइन्थ में ही आप पूरी 11th लगा जाओ, बट नाइन्थ में अपनी नाइन्थ को स्ट्रांग करना है, ये काम करना है। तो फिजिक्स में आपको समझ में आया सबसे इंपॉर्टेंट चीज है कि लॉट्स ऑफ न्यूमेरिकल आपको प्रैक्टिस करने हैं और अपनी इमेजिनेशन पावर को आपको इंक्रीज करनी है, ठीक है, इतनी चीज। अब इसी प्रकार से आखिरी आपका सब्जेक्ट होता है जो कि आपके JEE में मिलने वाला है, दैट इज केमिस्ट्री। केमिस्ट्री में अभी आपको ये पता नहीं होगा कि जब आप 11th में एंटर करोगे तो वहां पर आपको मिलेगा फिजिकल केमिस्ट्री, वहां पर मिलेगा आपको इनऑर्गेनिक, और वहां पर आपको मिलेगा ऑर्गेनिक, ठीक है। लेकिन अभी क्लास 9th-10th के बच्चों को केमिस्ट्री मिलाकर पढ़ाई जाती है, उसमें कोई भी अलग चीजें नहीं है। सबसे पहले केमिस्ट्री में आपको ध्यान ये देना है कि आपको फिजिकल यानी शुरू वाले जो चैप्टर है उसकी थ्योरी बहुत अच्छे से पढ़नी है, और थ्योरी को रटना नहीं है, क्योंकि हमारी आदत क्लास 8 तक क्या होती है कि हम थ्योरी को रटते हैं। हमें बुक रीडिंग की हैबिट बढ़ानी है, हमें अपने NCERT रीडिंग की हैबिट बढ़ानी है, उसके बाद थ्योरी को समझना है कि ये कोई कॉन्सेप्ट है तो वो क्यों है, कैसे आ रहा है, जो भी टीचर आपको पढ़ा रहा है उससे प्रॉपर नॉलेज लेना है। अगर आपका डाउट आ रहा है तो अपने क्लास के, स्कूल के टीचर से पूछिए कि ये चीज़ है तो ऐसा क्यों है। हमें रटना नहीं है डायरेक्ट, इस चीज़ को आपको अपने अंदर डेवलप करना है, क्योंकि केमिस्ट्री में ज़्यादातर आपको थ्योरी मिलेगी। फिर उसके बाद आपको क्लास 9 के पहले चैप्टर में सवाल भी मिल रहे होंगे कुछ मूल कॉन्सेप्ट से रिलेटेड, तो वो न्यूमेरिकल भी आपको प्रैक्टिस करना है। ऐसा नहीं है कि आपको न्यूमेरिकल्स छोड़ने हैं केमिस्ट्री में, ये भी आपको धीरे धीरे डेवलप करना है। साथ ही साथ जब आप 10th में आओगे तो वहां पर आपको पीरियोडिक टेबल से रिलेटेड चैप्टर्स पढ़ाए जाएंगे, आपको कार्बन एंड इट्स कंपाउंड यानी कार्बन के चीज़ें पढ़ाई जाएंगी, वो सारी चीज़ें आपको ऑर्गेनिक में फ्यूचर में मिलेंगी 11th में। तो वो धीरे धीरे जब आप अपने अंदर डेवलप करोगे, ये सारी बातें आपको समझ में आने लगेंगी कि हाँ ये सारी चीज़ें हमें रिलेट करानी है 11th में, तब जाके आपके अंदर वो कॉन्फिडेंस आने लगेगा कि हाँ अब मैं धीरे धीरे अपने आप को उस बड़े लेवल के एग्जामिनेशन के लिए, उस बड़े लेवल के कॉम्पिटिशन के लिए तैयार कर रहा हूँ। और ये हैबिट आपको शुरू से ही डेवलप करनी है, अपना माइंडसेट ये बनाना है कि हाँ मेरे को क्रैक करना है। क्योंकि बहुत सारे बच्चे क्या करते हैं, लेट शुरुआत करते हैं वो 11th में, 12th में, क्योंकि बाकी लोग कर रहे हैं तैयारी, तो जब सब लोग कर रहे हैं और कंपटीशन ही क्रैक करना है तो हम भी करेंगे, बिल्कुल करेंगे, ठीक है। तो आई होप आपको सारी बातें बहुत बढ़िया तरीके से क्लियर हुई होंगी। मेक श्योर कि आप एक एक बात को ध्यान से समझे होंगे और 9th से ही सीरियसली अपने गोल की तरफ बढ़ना शुरू कर रहे होंगे। आप में से कोई भी बच्चा अगर इंटरेस्टेड होगा कि उसे एक पूरे
क्वालिटी कंटेंट चाहिए तो दे कैन चेक आवर स्पार्क बैच विच इज अवेलेबल ऑन रैंकस NTSC एप्लीकेशन, वहां पर जाकर आप देख सकते हैं। पूरा प्री फाउंडेशन लेवल का कंटेंट मिलेगा जो आपके बोर्ड को कवर करा रहा होगा, वो आपका कहीं से नुकसान नहीं होगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करिएगा, 1000 लाइक कंप्लीट करते हैं तो हम इसकी नेक्स्ट सीरीज को प्रॉपर बना रहे होंगे कि मैथ्स के कौन सी किताबें आपको लगानी है, सवाल कैसे लगाने हैं, अप्रोच क्या होगा, किस टाइप के सवाल आपके आगे आने वाले समय में यूज होने वाले हैं, सब कुछ। सिमिलरली फिजिक्स केमिस्ट्री सब कुछ होने वाला है, तो मेक श्योर ज़्यादा से ज़्यादा पसंद करिएगा और नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद, जय हिंद।